की लोकेशन है इस, यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, तो मैं ना एक क्लिप भी ऐड कर दूंगा। जहाँ पे गंगोत्री धाम है ये वो वाली रेंज है, यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और घूमने के लिए तो बस यहाँ पे दो जगह हैं जैसे मैंने बताया, इको पार्क। हेलो गाइस, मैं और वेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई मैं करने वाला हूँ एक और छोटी सी ट्रिप अपनी इसी बाइक पे, जो कि मैं जाऊँगा धनौल्टी। और वैसे धनौल्टी में देखो यार, जो घूमने वगैरह की जगह होती है ना धनौल्टी में, वो समर में तो वहाँ कुछ है नहीं, वैसे विंटर का ही ठीक होता है क्योंकि वहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ती है। तो आज छुट्टी थी तो मैं सोचा यार क्या करा जाए, तो मैं चलो एक ट्रिप ही मार लेता हूँ धनौल्टी तक की। और एक दो जगह है वहाँ पे जो वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, तो वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और थोड़ा सा अपनी बाइक को भी टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि एक जगह मतलब एक शॉर्टकट से जाता हूँ मैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। हम दो लोग बैठेंगे इस पर और मैं देखूँगा कि भाई ये मतलब दूसरे गियर में चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती वहाँ, ठीक है। और थोड़ा सा व्यू वगैरह भी दिखा देता हूँ मैं इधर का, ये मेरी फेवरेट जगह है। आज तो थोड़े बादल हो रखे हैं तो व्यू वगैरह कम दिख रहा होगा, छोड़ो दिखाना बेकार है। तो चलो चलते हैं फिर, और बने रहना वीडियो के एंड तक। मैं बात कर रहा था इस चढ़ाई की, और यहाँ पे मतलब जैसे मैं अभी वीडियो को शुरू में बताया था कि एक शॉर्टकट मार के जाऊँगा मैं, तो वो ये चढ़ाई है, काफ़ी कड़ी चढ़ाई आ रही है ना। बाइक को फर्स्ट गियर में चलाना पड़ रहा है, सेकेंड मैंने ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया। और यहाँ देखो, यहाँ पर ये जाम लगा रखा है इन्होंने, एक कार देखो, कार भी नहीं चढ़ पा रही भाई, कैसे ड्राइवर हैं ये लोग। तो कोई नहीं, निकालते हैं, बीच से निकाल देता हूँ यहाँ से ना, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है तो इससे कार चढ़ाई नहीं जा रही ऊपर ना। तो भाई निकलते हैं अब यहाँ से सीधा। अरे आज तो कुछ ज़्यादा ही लोग फंस रखे हैं इस रोड, पता नहीं क्यों आ जाते हैं लोग इतना। ये देखो इन्होंने पार्क कर रखी है क्या, फंस रखे हैं? नहीं नहीं ये फंस रखे हैं यार। तो भाई थोड़ा साइड कर लो यार, बीच में लगा रखी है। चलो निकल जाएगी यहाँ से, चलो आप फटाफट पहुँचते हैं मेन रोड पे। तो भी देखो रास्ते में जाते हुए सामने दिख रहा होगा ये आपको, ये जो पहाड़ दिखते, ये जो वाइट कलर के पहाड़ दिख रहे हैं, ये गंगोत्री और जो हर्षिल वाली साइड है ना, गंगोत्री रेंज बोलते हैं इन्हें। मैं अपनी लास्ट ट्रिप में गया था ना, मतलब लास्ट नहीं उस पहली वाली ट्रिप में जो मैं गंगोत्री वाली थी, तो ये वही वाले पहाड़ हैं भाई। तो ये देखो धनौल्टी से भी क्या सेट दिखाई दे रहे हैं। और अभी जहाँ मैं जाऊँगा ना मंदिर में सुरकंडा का, जो वहाँ उसके टॉप पे से ये बहुत ही मस्त तरीके से दिखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक देख। तो भाई एक ये जगह पड़ती है इको पार्क धनौल्टी में। वैसे धनौल्टी में यहाँ पे दो ही जगह है जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, एक ये इको पार्क और जहाँ हम अभी जा रहे हैं मंदिर। तो चलो चलते हैं फटाफट। मैं ना यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं दो तीन साल पहले, दो साल पहले आया था ना मैं यहाँ, तो यहाँ पे ना मतलब विंटर में यहाँ पे क्या होता है कि विंटर में बर्फ़ वगैरह बहुत पड़ती है। तो ये सेम वही लोकेशन है इस, यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो मैं ना एक क्लिप भी ऐड कर दूँगा जब मैं पहले आया था, ठीक है। पहले मैं इधर का पूरा व्यू दिखाता हूँ, ठीक। ये शायद रेड कलर का था पहले, और जो पीछे घर दिखाई दे रहा है ना आपको वाला, वो येलो कलर में था। और ये यहाँ पर पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी, और ये जो लिखा हुआ है ना सीमा समाप्त जौनपुर रेंज, ठीक है। तो इसी में ना अभी यहाँ पे क्या होता है कि इसी लोकेशन पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो भी देखा आपने, जो मैंने भी आपको क्लिप ऐड करी कि यहाँ पे विंटर में कितनी बर्फ़ पड़ी हुई होती है। और विंटर में ही आना यहाँ पे ठीक होता है, क्योंकि यहाँ विंटर में बर्फ़ पड़ती है, समर के लिए यहाँ कुछ है नहीं। वो क्लिप देख के आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ती है, दो ढाई साल पहले की वीडियो है वो, ठीक है। तो भाई अब चलते हैं अपना उधर सुरकंडा की तरफ, अब मिलता हूँ मैं वहीं पर आपको, जहाँ से हम जाएँगे वैसे सीढ़ियों से, और रोप वे भी जाती है वहाँ से, मिलते हैं आप। तो भाई यहाँ से अब हम जाएँगे ऊपर, ये जा रहा रोप वे ऊपर के लिए। इधर बहुत लंबी भी लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए, बट हम जाएंगे पैदल। और सामने हो रहा मंदिर। तो भाई हमारे सामने से जो नीचे दिखाई दे रहा होगा, और लगभग ये 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, आधे रास्ते में है अभी। ये है मेन मंदिर ऊपर का, और यहाँ काफ़ी हो रखी है भीड़। Hi, Richard.
ये गंगोत्री रेंज जो सुरगंडा से दिखाई देती है। यार मंदिर का फ्रंट व्यू तो मैंने दिखा दिया था और इधर थोड़ा सा बैक व्यू है और थोड़ा इधर सामने ये गंगोत्री की रेंज, ये पहाड़ सब बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे होंगे। तो भाई मंदिर से वापस आते हुए मैं जा रहा हूँ घर की तरफ और मैं सोचा जो एक बार धनौल्टी का जो मेन मार्केट है, मेन एरिया है जो धनौल्टी है, वो दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बस ऐसा सही है, कुछ छोटा सा एरिया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और घूमने के लिए तो बस यहाँ पे दो जगह हैं जैसे मैंने बताया, इको पार्क और वो मंदिर, और एक आध जगह और होगी कोई, वो तो मुझे पता नहीं क्या, बट मेन जो है ये दो ही जगह हैं। और बस चलते हैं फटाफट अब। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढलान है, मैं आया भी इधर से था और आते हुए तो मुझे फर्स्ट गियर मिलानी पड़ी थी बाइक, सेकंड में मैंने ट्राई किया था तो सेकंड में हो नहीं पाई थी। ये देखो कितने इनसे बाइक इससे कार नहीं चढ़ पा रही है तो आते क्यों है लोग यहाँ से, देखो तो भाई कितनी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ से। तो भाई मेरी ये थी एक छोटी सी ट्रिप जो कि पूरी हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो लोकेशन कैसी लगी बताना कमेंट करके, और जो अगर मैं बताऊँ अगर थोड़ी सी बाइक के बारे में जो मैंने दिखाया था जहाँ पर चढ़ाई थी थोड़ी ज़्यादा, वहाँ पे सेकंड गियर में चल नहीं पाई थी बाइक और मुझे काफ़ी लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई थी, वो फर्स्ट गियर में आराम से बाइक चलती रही ऊपर तक और 22 से 23 की स्पीड तक मैं मतलब चली गई थी तो को बैठा के, उतनी वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी, वो मुझे लगा नहीं था कि चल पाएगी। वहाँ देखा होगा कार वगैरह टक गई थी, तो जब मैं देखता हूँ कोई नेक्स्ट ट्रिप प्लान करता हूँ कोई लंबी सी ट्रिप और फिर से कोई वो इस थोड़ा सा लोकेशन वगैरह बाइक वगैरह सब उसमें मैं देने की कोशिश करूँगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही है बस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।